नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए आप सभी के पसंदीदा शो मेघा बरसेंगे की, जहां पर बड़ी ही चालाकी के साथ अर्जुन ने मेघा को जॉर्जिया की जेल से बाहर निकलने का रास्ता सुझा दिया। वैसे तो बहुत मुश्किल है जॉर्जिया के जेल से बाहर निकल पाना, मगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। अब अर्जुन ये जान रहा है कि जो उसकी लॉयर है ना, वो इतनी जल्दी मेघा को जेल से बाहर नहीं लाने वाली है। ऐसे में अर्जुन अपने तिगड़म दिमाग को चलाता है और मेघा को जेल से बाहर निकालता है। लेकिन इसी दौरान अर्जुन जॉर्जिया की पुलिस से भिड़ जाता है मेघा को बचाने के लिए। जब वो टंकी से नीचे गिरती है और उसके बाद वो भागती है, तो पुलिस वाले उसको शूट कर देते हैं। पर वो गोली मेघा को लगी है या नहीं लगी तो दूर की बात है, मगर मेघा घायल जरूर हो गई, उसे काफी ज्यादा चोट लगी है, काफी वीक हो चुकी है। और ऐसे में अब अर्जुन उसे लेकर अस्पताल भागा है और पुलिस वाले जो है मेघा और अर्जुन को ढूंढ रहे हैं। इधर अर्जुन जो है बहुत मेहनत मशक्कत के साथ मेघा की जान बचा लेता है और घर वालों ये इन्फॉर्म करता है कि मेघा बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है और उसके साथ है और जल्दी इंडिया लौट रही है मेरे साथ। घर वाले थोड़ी स्टैंड की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ ये बात मनोज को पता चलती है कि मेघा इंडिया जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो जाता है छानबीन करने की मेघा जेल से बाहर आई कैसे। तो ये सारी चीजें वो देखता है और देखता है कि अर्जुन ने मेघा को बचा लिया है और पुलिस वालों के सामने मेघा इनोसेंट साबित हो चुकी है। तो ऐसे में अब मनोज बिल्कुल परेशान हो चुका है, वो चाहता नहीं है कि मेघा इंडिया जाए और इंडिया जाकर जो है उसके खिलाफ कुछ भी करे। और ऐसे में जब अर्जुन उसके साथ है तो जाहिर सी बात है वो मनोज के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पर वो मेघा के साथ अभी भी गलत करने के इरादे से एक नया षड्यंत्र बुन रहा है। लेकिन क्या हमारे अर्जुन मनोज को उसी के षड्यंत्र जाल में फंसा देंगे? क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा।